भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और सांसद गणेश सिंह के पक्ष में आयोजित विजय संकल्प रैली में कहा कि जैसे सतना को 350 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात मिली है, वैसे ही यहां के एयरपोर्ट को भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट भी रेलवे स्टेशन से कम नहीं होगा, इस पर लगभग 270 करोड़ की लागत से रेनोवेशन का काम चल रहा है। उन्होंने माना कि मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत 14 में से पहला मेडिकल कॉलेज सतना लाने का श्रेय सांसद गणेश सिंह का है। सुनिए, सतना में आयोजित इस सभा के दौरान एयरपोर्ट और स्टेशन पर कितनी बातें की गई। घोटाला किया कि नहीं किया आप बताओ? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया आप बताओ? पंडुप्पी घोटाला किया कि नहीं किया आप बताओ? अगस्ता टॉप का घोटाला किया कि नहीं किया आप बताओ? अखिलेश ने गोमती रिवर फंड का घोटाला किया कि नहीं किया आप बताओ? अखिलेश ने ये फूड ग्रेन अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया आप बताओ? लालू मवेशियों का चारा खा गया कि नहीं खा गया आप बताओ? लालू ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया आप बताओ? लालू और उसके परिवार ने अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया आप बताओ? ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया आप बताओ? ममता ने गाय की स्मगलिंग का घोटाला किया कि नहीं किया आप बताओ? ममता ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया आप बताओ? टीएमसी के नेताओं ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? डीएमके के नेताओं ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया आप बताओ? चंद्रशेखर। और जब हम विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, रवैया, धर्म, काम करने का तरीका, संस्कृति, राजनीति की परिभाषा, ये सब बदल गया। 10 साल पहले हम क्या साधारण मानवी, साधारण व्यक्ति के मन में क्या था, राजनीति के बारे में क्या था? राजनीति के प्रति उदासीनता। राष्ट्र के सभी तीर्थों को विकसित करने का निर्णय किया, उसमें सबसे पहले कहीं विकसित होंगे तो यही सतना जिले के सारे देवस्थान, उसको विकसित करने का निर्णय हमने किया। और माननीय नड्डा जी यहाँ मौजूद है, मैं आपके माध्यम से उनको भी आश्वस्त करता हूँ कि लगभग हमारे यहाँ यद्यपि 16,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का रकबा। ये जो चुनाव है, ये चुनाव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव, देश के अंदर जनता इस चुनाव को लड़ रही है। गणेश सिंह जी हो या बीडी शर्मा हो या और भी कोई प्रत्याशी हो, हम सब लोग तो एक कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से चुनावी मैदान में है, लेकिन आज देश चाहता है कि 10 वर्षों हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है, विकास और गरीब कल्याण पर आज इस देश के अंदर, देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक गुड गवर्नेंस देने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो सतना के विकास में भी हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई गणेश सिंह जी ने जो भूमिका निभाई है। इस भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट के सतना में माँ शारदा का मतदान 26 को है, 2 दिन शेष बचे हैं और मुझे लगता है कि आज ये चुनाव के अंतिम प्रचार अभियान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का, माननीय मंत्री, अंतिम प्रचार अभियान है। इसके बाद हम लोग मतदान की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़े दिनों पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और वो यहाँ कह के गए कि विकास नहीं हुआ 20 साल में, और यहाँ के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कह रहे थे कि हमें तो 20 साल पुराना मध्य प्रदेश